अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के दिन का आगाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, आओ थोड़ा तफसील से बताता हूँ। तो बारिश है तो कराची में रुकने का नाम नहीं ले रही, और इसी बारिश की वजह से आज ये अनहोनी हुई है मेरे साथ। तो हुआ कुछ यूँ कि ये देखें, ये स्लोप है और ये सीढ़ियाँ हैं, तो मैं इसी ये स्लोप है इसके ज़रिए मैं ऊपर चढ़ के यहाँ से ऊपर जा रहा था। एकदम से मेरा पैर स्लिप हुआ, तक कमर के बल गिरा यहाँ पे। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि कब हुआ है और कैसे, कितनी जल्दी जल्दी हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं गिरा हूँ और मेरे जो हाथ है ना, वो पता नहीं आके किस तरीके से यहाँ पे लगा है, पता नहीं कहाँ लगा है, यहाँ बाइक के कहीं पे लगा है ना। तो अब हुआ ये है कि ये वाली जो उंगली है ना, एक तो देखो एक यहाँ से कटी है, सही, इसका तो इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ये वाली उंगली है ना, इसका जो ये वाली जगह होती है जहाँ पे उंगली जुड़ रही होती है, तो वो पूरी ना, वो जो है ना, वो पूरी खुल गई है। आई डोंट नो, 2 सेकंड के अंदर कैसे हुआ है, तो वो पूरी खुल गई, अंदर से हड्डी दिख रही थी, मतलब लिटरली। तो फिर उसके बाद जल्दी से मैं क्या कहते हैं, ये हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टोर है वहाँ पे गया, वहाँ जाके पट्टी वगैरह करी, तब जाके खून रुका। लेकिन उतनी देर में इतनी ब्लीडिंग हो गई थी कि 30 सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने ऐसा अंधेरा कोई आया ना कि कुछ भी नहीं दिख रहा था मेरे को। बट अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से बचा लिया, तो गुड सीन है। वी आर होपिंग कि बाकी के दिन अच्छा गुजरता है, तो बस ये सीन है। और तुम लोग भी आयतुल कुर्सी पढ़ के जाया करो, मैंने आज नहीं पढ़ के गया था तो मेरे साथ उल्टा सीधा काम हो गया, लेकिन पढ़ के जाया करो फॉर योर सेफ्टी। मीनवाइल तो मैंने सुबह का व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है और अभी असर की अजानें हो रही हैं और मैंने अभी तक टाइटल और थंबनेल को एड्रेस नहीं किया। तो घर में फालतू बैठा रह के मैं तंग आ गया था और मैंने बोला था कुछ करना है, और कुछ से मुराद जॉब। और खुद सोचने वाली बात है कि सेकंड ईयर जिसने किया हो, जिसका अभी तक रिजल्ट भी ना आया हो, तो उसको मतलब कौन सी फर्म लगाएगी। और इसीलिए मैंने कॉल सेंटर चूज किया। फिलहाल जो सीन है वो तो ये है कि मुझे कॉल सेंटर वगैरह का कुछ भी नहीं पता कि क्या सीन है, कहाँ पे है कॉल सेंटर। और यहाँ एंट्री होती है मेरे दोस्त यासीन की, जिसका पहले भी कॉल सेंटर्स के अंदर एक्सपीरियंस रह चुका है, और उसी के साथ मैं आज कॉल सेंटर जाऊंगा। तो गाइस, अभी हम लोग नमाज पढ़ने आए थे और ये हमारे यासीन भाई ने गाड़ी के अंदर चाबी छोड़ दी और सारे गेट बंद कर दिए हैं। हमारी जो मस्जिद थी उसके अंदर सारा बारिश का पानी आया हुआ था, तो हम लोग अभी यहाँ पे मदीना मस्जिद आए हैं और हम लोग को इस बंदे की वजह से वापस पैदल जाना पड़ेगा। यार वो दूसरी खड़ी भी है, मेहरान क्या पता उसे क्या लग गया इसमें। तो फिर अंकल का इंतजार करो, फिर वो आएंगे तो ले लेना उनसे चाबी। तो फाइनली हमारी काविशें सर अंजाम दे गई और हमारा गेट खुल गया मेहरान का। बेटा आइंदा से देख के करियो, ओए मगर नहीं होता तो फिर कैसे बोलते हो। सो आई एम रेडी, यासीन भी नीचे आ गया, उसने अभी अभी मैसेज किया है और 8:15 हो रहे हैं, तो बस अब निकलते हैं। तो अभी फिलहाल सीन ये है कि मुझे ये नहीं पता कि बोलना क्या है, कुछ भी नहीं पता कि क्या जाके बोलना है। क्या यासीन कह रहा है कि जो मैं बोलूँगा बस वही बोलती हो, बस मैं अब इसी को सारा कॉपी करूँगा, जो जो ये बोलेगा ना वही सब करूँगा। मैं समझ रहा था कि मुझे नहीं पता कि कॉल सेंटर कहाँ है, ये तो इसको भी नहीं पता कि कॉल सेंटर कहाँ है, तो अब ये अपने दोस्त से पूछ रहा है कि कॉल सेंटर कहाँ है। तो इवेंचुअली मुझे वो वाला कॉल सेंटर मिल गया, वहाँ जाके मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं उस कॉल सेंटर में नहीं लग सका क्योंकि उन्होंने बोला हमारा प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, इसलिए फिर मैंने एक और कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया। आज उस इंटरव्यू के बाद मेरी पहली ट्रेनिंग क्लास है, तैयार मैं हो गया हूँ, बस अब मैं यासीन का इंतजार कर रहा हूँ, वो जैसे आते हैं फिर निकलते हैं। तो ट्रेनिंग क्लास का जो हमारा टाइम है वो 4 से लेकर 6 तक का है, होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी क्या होता है आज। तो गाइस यासीन का मैसेज आया है, बल्कि आ गया यासीन, आ गया ये रहा। तो बस अब निकलते हैं और वहां जाके आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। वहां पे मैंने व्लॉग वगैरह नहीं किया बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू फोकस ऑन द प्रैक्टिस, पर जब व्लॉग बनाने का टाइम आया तो मेरा फोन ही डेड हो गया था। बट इट डजंट मैटर बिकॉज मैंने 2 दिन के बाद ही कॉल सेंटर छोड़ दिया। आई नो अभी तुम लोगों को समझ नहीं आ रही हो कि ये क्या सीन चल रहा है, लेकिन देखो
दे वाज अ थिंग जिसके मैं खिलाफ था, दैट्स व्हाई मैंने कॉल सेंटर छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि वो लोग स्कैम कर रहे थे या कुछ उल्टा सीधा वहाँ चल रहा था। सिंपल थिंग वाज दैट कि तुम लोग ज़्यादातर को पता ही होगा कि कॉल सेंटर के अंदर कहते हैं कि आप अपना नेम चेंज करके, मतलब किसी आप इंग्लिश नेम के साथ कस्टमर से बात करें। यह चीज़ थी जिसके मैं खिलाफ था कि जैसे हम लोग कॉल के स्टार्टिंग में हम लोग झूठ बोल के एक तरीके से अपनी कॉल स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने कॉल सेंटर को आगे परसू नहीं किया। अब सीन कुछ ऐसा है कि मैं बिल्कुल फारिग बैठा हूँ घर में, सब फिगर आउट करना पड़ेगा कि कॉल सेंटर के बजाय क्या काम किया जाए क्या नहीं किया जाए, बिकॉज अब फारिग तो नहीं बैठना ना। बस ये दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये मेरा थोड़ा सा ओपिनियन था इस बारे में क्योंकि किस वजह से मैंने कॉल सेंटर छोड़ा। बस मैं अब कंसिस्टेंट होने की कोशिश करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और तुम लोग यार जल्दी से वीडियोज़ पूरी पूरी देख के जल्दी से मोनिटाइज करवाओ यार, क्या कर रहे हो। मतलब बंदा पैसा वैसा कमाए थोड़े यूट्यूब से भी, ताकि कंसिस्टेंट ब्लॉग आएँ, अच्छे क्वालिटी वाले ब्लॉग्स आएँ। तो बस वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया हुआ अभी तक। तुमसे मिलता हूँ जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।